हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष कुमार कखानी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। इस वीडियो लेक्चर में हम एरे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये टॉपिक CS201 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग इन सी कोर्स से लिया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेट अस स्टार्ट। तो ये हमारे प्रेजेंटेशन की, हमारे इस सेशन की आउटलाइन हो गई। वन डायमेंशन एरे, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, मल्टी डायमेंशन एरे, डायनामिक एरे। तो इस पूरे सेशन में स्टूडेंट ये समझेगा कि एरे क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, वन डायमेंशन एरे को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह वैल्यूज को इनपुट किया जाता है, किस तरह वैल्यूज को प्रिंट किया जाता है, किस तरह से उस एरे को प्रोसेस किया जाता है इंडेक्स के हेल्प से, और उसका डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, मल्टी डायमेंशन एरे मतलब टू डायमेंशन एरे, थ्री डायमेंशन एरे, इस तरह के एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, प्रोग्राम में किस तरह इनपुट दिया जाता है, किस तरह आउटपुट होता है, देन डायनामिक एरे। तो ये हमारे इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन की, सेशन की आउटलाइन हो गई। तो हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। एरे, तो एरे क्या होता है, व्हाट इज एरे? तो एरे इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। एरे क्या है? सेम टाइप के डेटा आइटम्स का कलेक्शन है। जैसे 10 इंटीजर एलिमेंट्स का कलेक्शन, 10 फ्लोटिंग एलिमेंट्स का कलेक्शन, 10 कैरेक्टर्स का कलेक्शन या 10 स्ट्रिंग्स का कलेक्शन, इस तरह के जो 10 सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन है उसको हम एरे से रिप्रेजेंट करते हैं। और एरे जो है ये बेसिकली इसकी जो साइज रहती है वो स्टैटिक साइज रहती है। इसका मतलब है मेमोरी जो है इसको अर्लियर बिफोर एग्जीक्यूशन ही अलोकेट करनी होती है, फिक्स साइज रहती है एरे की। हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हंड्रेड्स हैं, थाउजेंड एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करना जो है फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होता। तो उसको प्रोग्रामिंग में इजी वे में डिक्लेयर करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम एरे के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जहां हम इंडेक्सेस के माध्यम से हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स को इजीली हैंडल करते हैं, लेकिन वो एलिमेंट जो है सिमिलर टाइप्स के होने चाहिए। तो अगर हमसे कोई एरे की डेफिनेशन को अगर पूछता है तो हम एरे की डेफिनेशन बड़ी सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। नीड ऑफ एरे, एरे की जरूरत क्यों है, वाई वी नीड एरे, एरे का क्या जरूरत है, क्यों हमको एरे की रिक्वायरमेंट है? तो एरे की जरूरत इसलिए है कि टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर डेटा। एरे में इसलिए चाहिए क्योंकि हमको अगर सेम टाइप ऑफ डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में है तो हम एरे के हेल्प से उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको एरे की हेल्प से हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, बहुत आसानी से उस चीज को हम प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट के मार्क्स को हमको हैंडल करना है, 100 मार्क्स को हमको एंटर करवाना है, उसको प्रोसेस करना है, उसके बाद उसका आउटपुट देना है, उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, तो हम उसको एरे की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। सैलरी ऑफ 200 एम्प्लॉइज, 200 एम्प्लॉइज की सैलरी को अगर हमें इनपुट करवाना है, उसको प्रोसेस करना है, उसको आउटपुट करवाना है, तो हम एरे की हेल्प से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जब इस तरह के केसेस होते हैं जहां पर 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हो, 200 एम्प्लॉइज की सैलरीज हो, इस तरह के केसेस जहां पर बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स हैं, उन वैल्यूज को कैसे हैंडल किया जाए, तो हम उसको एरे की हेल्प से बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, एरे को अब डिक्लेयर कैसे किया जाए? जैसे हम सी का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो एरे के कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से सी के प्रोग्राम में सिंटेक्स के फॉर्म में लिखें? तो टू डिक्लेयर एंड डिफाइन एरे यू मस्ट स्पेसिफाई इट्स नेम, टाइप एंड साइज। किसी भी एरे को डिक्लेयर या डिफाइन करने के लिए हमें उसकी, उसका नेम, उसका टाइप और उसकी साइज को मेंशन करना होगा। उसके नेम को मेंशन करना होगा, उसके टाइप को मेंशन करना होगा और उसकी साइज को मेंशन करना होगा। टाइप कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। नेम, नेम में हम जो हमारे यूजुअल वेरिएबल
नेम के रूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे. इट शुड बी कंपोज ऑफ अल्फाबेट्स नंबर एंड अंडरस्कोर. शुड स्टार्ट फ्रॉम इधर अल्फाबेट और अंडरस्कोर. शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर. नो स्पेशल कैरेक्टर्स. वो हमको नेम में यूज करना होगा. देन आता है साइज. तो साइज जो है एरे की 5, 10 इस तरह का कोई इंटीजर नंबर होगा तो हम लोग उसको उस साइज को जो है स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे. जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो एरे का ऑपरेटर है. एरे डिक्लेयर करने के लिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा. अब आता है हमारा एग्जांपल इंटीजर ए 10. इंटीजर ए 10. सो इंटीजर इज द टाइप. ए इज द नेम ऑफ द एरे. 10 इज द साइज ऑफ द एरे. तो ये 10 एलिमेंट्स का एरे हो गया जो 10 इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेगा. फ्लोट मार्क्स 20. फ्लोट इज द टाइप ऑफ द एरे. मार्क्स इज द नेम ऑफ द एरे. 20 इज द साइज ऑफ द एरे. सो यहां पर जो फ्लोट मार्क्स 20 वाला एरे है ये 20 मार्क्स को स्टोर करेगा. 20 डिफरेंट मार्क्स को ये स्टोर कर सकता है. कैर नेम 10. सो नेम एरे का नेम है. कैर इज द टाइप ऑफ द एरे. 10 इज द साइज ऑफ द 10 कैरेक्टर्स को ये स्टोर करेगा. तो इस तरह से हम एरे को सी प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर कर सकते हैं. और ये बेसिक डिक्लेरेशन का सिंटेक्स है. उसमें हमको नेम टाइप और साइज को मेंशन करना होता है. इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट ऑफ द एरे. तो जब भी हम एरे का प्रोग्राम बनाते हैं तो एरे के इंडेक्स को का बड़ा यूज होता है कि जो हम साइज मेंशन करते हैं तो एरे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और n माइनस 1 तक उसका इंडेक्स जो है रेंज उसकी जाती है. अगर एरे की साइज n है मतलब एरे की साइज सपोज n है तो इंडेक्स जो है वो 0 से लेके n माइनस 1 तक जाएगा. तो इंडेक्स से हम स्पेसिफिक एलिमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं. सपोज करो एरे की n की वैल्यू 10 है तो साइज एरे की साइज जो है 10 है. n वैल्यू 10 है तो आपका जो इंडेक्स है वो 0 से लेके 9 तक जाएगा. n माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 9. सो 0 से लेके 9 तक जाएगा. द एलिमेंट ऑफ द एरे आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस एंड आर रेफरेंस बाय एन इंडेक्स सबस्क्रिप्ट. जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं वन आफ्टर अनदर. एक के बाद एक कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं और उनको हर एलिमेंट को हम एक इंडेक्स के थ्रू रेफर करते हैं. तो जो पहला इंडेक्स है वो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर n माइनस 1 तक वो इंडेक्स जाएगा. तो इस तरह से हम इंडेक्स की हेल्प से एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को हम फेच करते हैं, उसमें वैल्यूज को एंटर करते हैं, वैल्यूज को प्रोसेस करते हैं, वैल्यूज को आउटपुट करते हैं और सभी ऑपरेशंस उस पर अप्लाई करते हैं. तो इंडेक्स का बड़ा क्रिटिकल रोल है एरे के प्रोग्राम्स में. एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ द एरे. अब एलिमेंट्स को एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस किस तरह से किया जाए. तो एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो होता है लूप का. तो लूप जैसे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप. तो लूप और एरे का जो है बहुत ही क्लोज कॉम्बिनेशन है, क्लोज कनेक्शन है. सभी एरे के प्रोग्राम्स में हमको लूप को यूज करना पड़ता है. इसके पीछे कारण यह है कि जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर टाइप्स के हैं और वो इंडेक्सेस से हैंडल होते हैं और वो उन सभी के बीच में एक पैटर्न होता है कि वो इंडेक्स जो है वो 0 से लेके n माइनस 1 तक 1 by 1 वेरी करता है. बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न हम उस पर लूप का कॉन्सेप्ट इजिली अप्लाई कर सकते हैं कुछ कंडीशंस के साथ. टू एक्सेस ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे यू मस्ट यूज अ लूप. तो हमको एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, एलिमेंट्स में वैल्यू को एंटर करवाने के लिए, वैल्यूज को प्रोसेस करने के लिए, वैल्यूज को आउटपुट करवाने के लिए हमको लूप के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ता है. तो इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे. एरे को किस तरह से इनिशियलाइज किया जाए. तो इनिशियलाइजेशन का मीनिंग होता है असाइनमेंट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. जब हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पे एरे के अंदर एलिमेंट्स की वैल्यू को असाइन किया जाए तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं. तो बाय डिफॉल्ट द एलिमेंट ऑफ द एरे आर नॉट इनिशियलाइज. बाय डिफॉल्ट एरे के एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनिशियलाइज नहीं होते. दे मे कंटेन सम गार्बेज वैल्यू. उनमें कुछ गार्बेज वैल्यू होती है. गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ अनवांटेड वैल्यू जो मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर है. सो बिफोर यूजिंग द एरे यू मस्ट इनिशियलाइज द एरे और रीड सम मीनिंगफुल डेटा इनटू इट. तो एरे को यूज करने से पहले हमको एरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें गार्बेज वैल्यू होगी तो हमारा आउटपुट प्रॉपर नहीं आएगा. तो हमें एरे को यूज करने से पहले उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा. मतलब हमको डिक्लेरेशन के टाइम ही एरे में कुछ वैल्यूज देनी होगी या फिर हमको एरे को यूज करने से पहले कुछ वैल्यूज को कीबोर्ड से इनपुट करवा के एरे में एंटर करवाना होगा.
उसके बाद हम एरे को यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स में हम देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल है इंटीजर मार्क्स 5। तो ये एक इंटीजर एरे है, उसका नेम मार्क्स है और इसकी साइज 5 है। तो इसके अंदर हम 5 इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, 90, 80, 85, 78 और 95। तो ये 5 जो वैल्यूज हैं वो इस फर्स्ट एरे में हमने इनिशियलाइज कर दी। जब हम इनिशियलाइज करते हैं इन वैल्यूज को, हमको कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज करना होगा। सेकेंड जो हमारा डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन है वो, उसमें हमने साइज को मेंशन नहीं किया। इंटीजर मार्क्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट को हमने ब्लैंक रखा, इसलिए साइज हमने मेंशन नहीं की। एंड 45, 46, 72, 67। तो हमने ये 4 वैल्यूज को मेंशन किया कर्ली ब्रेसेस में। तो ये 4 वैल्यूज जो है ऑटोमेटिकली ये 4 एलिमेंट कंपाइलर काउंट करके साइज को 4 बना देगा। तो यहां पे ऑटोमेटिक साइज जो है कंपाइलर कंप्यूट करके असाइन कर देगा। तीसरा हमने इंटीजर मार्क्स 5 इक्वल टू 0 लिखा। अब इसमें हम लोगों के एरे की साइज 5 है, तो 5 एलिमेंट्स इसमें स्टोर हो सकते हैं, बट हमने इनिशियलाइजेशन के टाइम सिर्फ 0 मेंशन किया, तो ये ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट्स इसमें इनिशियलाइजेशन के टाइम 0 हो जाएंगे। फोर्थ वाला जो है वो कंपाइल टाइम एरर है। वो एरर इसलिए क्योंकि हमने इंटीजर मार्क्स 3 साइज को हमने 3 मेंशन किया और 85, 86, 82, 87 हमने राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज दी वो 4 पास की, लेकिन इसमें 3 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। तो ये एक तरह का कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा, बिकॉज आपने 4 एलिमेंट्स जो है इनिशियलाइजेशन के टाइम आपने 4 एलिमेंट्स को मेंशन किया लेकिन साइज को 3 दिया है। सो इट इज अ कंफ्यूजन फॉर एम्बिग्यूटी फॉर द कंपाइलर। सो इट्स अ कंपाइल टाइम एरर। कंपाइलर विल गिव एरर टू यू, देन यू हैव टू रेक्टिफाई इट। इधर यू हैव टू रिड्यूस द साइज लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यू हैव टू इंक्रीज द साइज। अब आता है मल्टी डायमेंशन एरे। व्हाट इज मल्टी डायमेंशन एरे? मल्टी डायमेंशन एरे वो एरे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा डायमेंशन होता है। जैसे अभी हमने जो पढ़ा वो सिंगल डायमेंशन एरे था, उसमें एक ही डायमेंशन था, मतलब हमने सीक्वेंशियली या लीनियरली या एक रो में हम एलिमेंट्स को स्टोर करवा रहे थे, 0 से लेकर एन माइनस 1 तक जा रहा था। लेकिन मल्टी डायमेंशन एरे में हमारे पास 2 डायमेंशन होते हैं, रो और कॉलम, या 3 डायमेंशन होते हैं, मीन्स विड्थ, लेंथ एंड हाइट। तो मल्टी डायमेंशन एरे बेसिकली क्या होता है? एरे ऑफ एरे। इट इज एरे ऑफ एरे, मतलब ये एरे का एरे होता है। इसमें हम इसको कह सकते हैं ये बहुत सारे 1 डायमेंशन एरे का कलेक्शन होता है, मोर देन 1 डायमेंशन, एक से ज्यादा डायमेंशन इसमें होते हैं, जैसे 2D एरे, 3D एरे। तो इसमें हमको 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करके इसकी साइज को मेंशन करना होता है मल्टी डायमेंशन एरे की। तो मल्टी डायमेंशन एरे बेसिकली एरे ऑफ एरे होता है और इसके अंदर 2 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारा जो फिजिबल है प्रैक्टिकल यूज के लिए 3 डायमेंशन एरे तक हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। 2D एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाए? तो 2D एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा? सबसे पहले इसकी टाइप लिखना होगा, इंटीजर लिखा, फिर नेम ऑफ द एरे लिखना होगा, जैसे A लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में एक साइज मेंशन करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में फिर दूसरी साइज मेंशन करेंगे। तो जो फर्स्ट साइज है वो रो को बताएगी और सेकंड साइज जो है कॉलम को बताएगी। यहां पर हमने फर्स्ट साइज 3 मेंशन की, तो रो जो हो गया 3 हो गया, और सेकंड साइज हमने कॉलम की मेंशन की वो 4 हो गई। तो रो साइज इज 3 एंड कॉलम साइज इज 4, 3 × 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3 × 4, दैट इज 12। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर कर सकता है? रो साइज इंटू कॉलम साइज, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 12। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 12 स्टोर हो जाएंगे, वो रो 3 रो हो जाएगी और 4 कॉलम्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशन एरे को इजीली डिक्लेयर कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने हैं, फर्स्ट इज रो साइज, सेकंड इज कॉलम साइज। अब आता है डायनेमिक एरे। तो डायनेमिक एरे का कॉन्सेप्ट क्या है? डायनेमिक एरे बेसिकली 2 तरह की मेमोरी एलोकेशन होती है, एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जो स्टैटिक वर्ड है वो बेसिकली कंपाइल टाइम से आता है। जो मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पे होती है हम उसको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, और जो डायनेमिक वर्ड है वो रन टाइम से आता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वो होती है जो रन टाइम पर होती है। तो ऐसी कोई मेमोरी जो रन टाइम पर एलोकेट होती है, एग्जीक्यूशन टाइम पर एलोकेट होती है, तो उसको हमको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। द एरे क्रिएटेड एट रन टाइम इज नोन एज डायनेमिक एरे। एक ऐसा एरे जो रन टाइम पे क्रिएट होता है उसको हम डायनेमिक एरे कहते हैं। डायनेमिक एरे मीन्स ऐसा एरे जो रन टाइम पे क्रिएट होता है। सो डायनेमिक एरे आर क्रिएटेड यूजिंग पॉइंटर्स।
और रन टाइम पर सी में अगर कुछ चीज हमको करनी है तो पॉइंटर्स की हेल्प से करनी होती है। तो डायनेमिक एरे बेसिकली पॉइंटर की हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं और मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, जैसे मैलॉक कैलॉक री अलॉक फ्री। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट हमारे फंक्शन है, मैलॉक कैलॉक री अलॉक फ्री, इन मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस का यूज करके और पॉइंटर का यूज करके डायनेमिक एरे को क्रिएट किया जाता है। डायनेमिक एरे आर यूज इन लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। जनरली हमको डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, जैसे लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, इन डेटा स्ट्रक्चर में हम डायनेमिक एरे का यूज करते हैं और इसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज होता है और मैलॉक कैलॉक री अलॉक और फ्री फंक्शंस का हम यूज करते हैं। तो ये हमारे डायनेमिक एरे का कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ बेस्ड ऑन आवर लर्निंग वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। दीज आर द वेरियस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऑन सी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉइज एंड कंप्यूट द एवरेज सैलरी। एक सी प्रोग्राम लिखिए जिसमें हमको 10 एम्प्लॉइज की सैलरी को इनपुट करना है और उसके बाद एवरेज सैलरी को कैलकुलेट करना है। राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट एंड फाइंड द मैक्स हाइएस्ट मार्क। 5 स्टूडेंट के मार्क्स को इनपुट करना है और हाइएस्ट मार्क्स को फाइंड करना है। राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट 10 इंटीजर एलिमेंट्स इन एन एरे एंड सर्च ए स्पेसिफिक एलिमेंट इन देयर। 10 इंटीजर एलिमेंट को इनपुट करना है, इंटीजर एलिमेंट्स को, और स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करना है। राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट 10 इंटीजर एलिमेंट इन द एरे एंड सॉर्ट द एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। फिर उसके बाद राइट ए सी प्रोग्राम टू डिक्लेयर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 2 डायमेंशन एरे पे प्रॉब्लम हो गई। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा 2 डायमेंशन एरे जिसमें रो साइज और कॉलम साइज सेम रहती। तो यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की हो गई, तो 3 रोज और 3 कॉलम्स हो गए। इनपुट द एलिमेंट यूजिंग कीबोर्ड एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट, फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हमको सी प्रोग्राम के थ्रू हेल्प से सॉल्व करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल गो फॉर वन प्रोग्राम ऑन एरे ऑन टर्बो सी कंपाइलर। सो हम लोग टर्बो सी कंपाइलर को ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग टर्बो सी कंपाइलर को ओपन करके एक प्रैक्टिकल सी प्रोग्राम में कर लेते हैं। तो ये हमारा टर्बो सी कंपाइलर ओपन हो गया है। अब हम इसके ऊपर एरे का एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम सबसे पहले एक फाइल मेन्यू में जाके एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। उस न्यू फाइल का हम नेम मेंशन करेंगे। array.c ये फाइल का नेम हो गया। इसको हम ओके कर देंगे। फाइल नेम चेंज हो गया यहां पर। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h हमने हेडर फाइल इंक्लूड की। ये हेडर फाइल जो है इसमें हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया। stdio इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड .h इज द हेडर फाइल। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हो गई। अब नेक्स्ट हम हेडर फाइल डालेंगे हैश इंक्लूड conio.h। ये हमारी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हो गई जो कंसोल फंक्शंस के लिए है। तो conio के अंदर हमारे पास getch और clrstr फंक्शंस होते हैं और stdio में हमारे पास printf scanf टाइप के फंक्शंस होते हैं। दोनों हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दी। अब उसके बाद हम लोग void main फंक्शन बनाएंगे। ये हमारा कंपलसरी फंक्शन हो गया इन एनी सी प्रोग्राम। दिस इज अ कंपलसरी फंक्शन इन एनी सी प्रोग्राम दैट वी हैव टू यूज इन ईच एंड एवरी सी प्रोग्राम। इस सी प्रोग्राम मेन फंक्शन के ब्लॉक में हमको अपने प्रोग्राम का कोड लिखना होगा। तो हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करवाएंगे यूजर से और उसके बाद उस मार्क्स का एवरेज कैलकुलेट करके उसको प्रिंट करवाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले मार्क्स का, क्योंकि हमें यूजर के मार्क्स का एरे चाहिए 5 एलिमेंट्स का, तो हमने मार्क्स एरे बनाया, 5 लिखा। तो ये हमारा एरे बन गया। उसके बाद
एवरेज के लिए हमको एवरेज लिया एलिमेंट, सम के लिए हमने सम लिया, और एक लूप को चलाने के लिए हम लोगों को एक वेरिएबल चाहिएगा आई, और सम में हम इनिशियल वैल्यू जीरो इनिशियलाइज करेंगे, बिकॉज सम कंटेन सम शुड बी कंटेन सम वैल्यू शुड नॉट बी कंटेन गार्बेज वैल्यू। तो ये हमारे वेरिएबल यूज होंगे मार्क्स 5, आई, एवरेज एंड सम। सम में सभी एलिमेंट्स का सम हो जाएगा, सभी मार्क्स का सम हो जाएगा। एवरेज में एवरेज वैल्यू होगी, आई इज फॉर कंट्रोल वेरिएबल ऑफ लूप एंड मार्क्स कंटेन द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। सबसे पहले हमें मार्क्स को इनपुट करवाना होगा यूजर से, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ और यूजर को हम बोलेंगे कि मार्क्स एंटर करें, तो एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। जो मार्क्स एंटर करेगा तो हम लोग सेमी कॉलन किया, देन स्कैन एफ परसेंटाइल डी एम्परसेंड ऑफ मार्क्स आई। बट ये इससे इनपुट नहीं हो पाएगा, ये सिंगल एलिमेंट्स के लिए इनपुट हो सकता है, तो हमें इसको एक लूप में इंसर्ट करना होगा। तो हम लोग लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल टू जीरो, बिकॉज इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, तो हम आई इक्वल टू जीरो लिखेंगे, देन आई इज शुड बी लेस देन 5 आई प्लस प्लस, आई शुड बी लेस देन 5 आई प्लस प्लस। तो ये हमारा फोर लूप हो गया। तो इस फोर लूप की हेल्प से ये जीरो से लेके लूप 4 तक चलेगा, तो 0, 1, 2, 3, 4 इन 5 इंडेक्सेस पे वैल्यूज एंटर हो जाएगी, वो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हो जाएंगे। फिर हमारे पास प्रोग्राम में मार्क्स आ गए हैं, नाउ उन मार्क्स को हमको ऐड करना है, तो फिर से हम फोर लूप चलाएंगे, फोर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन 5 आई प्लस प्लस। अब हमको क्योंकि ये मार्क्स जो हमने इनपुट करवाया है यूजर से, इन मार्क्स को सम करना है, तो सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स ऑफ आई। सम इक्वल टू सम मार्क्स प्लस ऑफ आई करने से सभी स्टूडेंट के मार्क्स जो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो ऐड होके सम में स्टोर हो जाएंगे, तो इससे हमको मार्क्स का सम मिल जाएगा। फिर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे एवरेज इक्वल टू मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज 5। एवरेज कैलकुलेट हो गया। अब हमें एवरेज को प्रिंट करवाना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटाइल एवरेज मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एवरेज सब्जेक्ट इक्वल टू परसेंटाइल डी देन एवीजी। तो इस तरह हमको एवरेज को हम प्रिंट करवा पाएंगे। इसको हमको न्यू लाइन में प्रिंट करवाना है, तो हम स्लैश स्लैश एन मेंशन कर देते हैं, इस एवरेज के स्पेस करेंगे। उसके बाद हमें आउटपुट को होल्ड करना है, तो हम गेट सी एच का यूज करेंगे, और क्लियर स्क्रीन को हमें यहां मेंशन करना होगा, जिससे कि एवरी टाइम व्हेन वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम द स्क्रीन शुड बी क्लियर। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है एरे का एक प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम हमने बना लिया है एडिटर पर, टर्बोसी के एडिटर पर। इस प्रोग्राम में हमने मार्क्स एरे लिया है, आई वेरिएबल लिया है, एवरेज वेरिएबल लिया है, सम वेरिएबल लिया, और इसमें हमने वैल्यू जीरो इनिशियलाइज की है। उसके बाद हमने यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवाए हैं, और फोर लूप चला के हमने सारे मार्क्स स्कैनएफ के थ्रू एंटर किए हैं मार्क्स एरे में। फिर उसके बाद उन मार्क्स को हमने ऐड करके सम में स्टोर करवाया है।
फिर एवरेज में मार्क्स डिवाइड बाय 5 करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स करके हमने एवरेज कैलकुलेट किया और फिर उस एवरेज को प्रिंटर के थ्रू प्रिंट किया है। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, तो हम कंपाइल टैब पे जाके कंपाइल करेंगे, या फिर हम इस प्रोग्राम को डायरेक्ट ऑल्ट प्लस F9 कीबोर्ड की से भी कंपाइल कर सकते हैं। जब हमने कंपाइल किया तो देयर इज वन एरर, सो वी विल रिमूव दैट एरर, इललीगल यूज ऑफ पॉइंटर। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट वी हैव टू राइट सम नॉट मार्क्स हियर, बिकॉज सम मेंशन करना होगा, मार्क्स एरे है ये सम है, तो ये हमारा एरर था, हमने इसको रिमूव कर दिया। फिर से हम इसको कंपाइल करते हैं तो अभी देर आर नो एरर, सो इट इज एरर फ्री प्रोग्राम। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने के लिए हम रन टैब में जाके रन करेंगे, या फिर हम इसको कंट्रोल प्लस F9 से भी रन कर सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे। अभी ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और ये स्क्रीन पर मेंशन कर रहा है एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स में एंटर करेंगे आउट ऑफ 100, सो 57, 68, देन 90, देन 87 एंड लास्ट इज 75। 5 सब्जेक्ट के हमारे मार्क्स हो गए एंड ये हमारा एवरेज मार्क्स कैलकुलेट हो गया, आ गया। तो 75 इज द एवरेज ऑफ ऑल द मार्क्स। सो दिस इज आवर प्रोग्राम ऑन एरे एंड द टॉपिक ऑफ एरे वी हैव अंडरस्टूड इन दिस सेशन। सो हम लोगों ने इस सेशन में लर्न किया, हम लोगों ने इस सेशन में समझा कि एरे क्या होता है, एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, एरे को इंडेक्स के थ्रू हैंडल कैसे किया जाता है, एरे को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, वन डायमेंशन एरे क्या होता है, टू डायमेंशन एरे क्या होता है, टू डायमेंशन एरे को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, लूप की हेल्प से एरे को कैसे हैंडल किया जाता है, एरे के एलिमेंट को कैसे प्रोसेस किया जाता है। हमने कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को असाइनमेंट को समझा एरे के, फिर हमने टर्बोसी कंपाइलर पे एरे के एक प्रोग्राम को रन करवाया और एरे के प्रोग्राम को रन करवा के हमने ये समझा कैसे कंपाइल किया जाता है, कैसे रन किया जाता है, और मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट के प्रोग्राम को हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन ऑन एरे। थैंक यू सो मच।